मैं अनिल कुमार, कारीगर चंबा चप्पल। आज बड़ी हर्ष की बात है मुझे कि हिमाचल सरकार ने हमें प्रदर्शनी एवं कला शिल्प मेले के लिए आमंत्रित हमें किया है शिमला में। ये मेला 7 नवंबर से 11 नवंबर तक रिज मैदान में शिमला में लगाया जाएगा। ये मेला हमें स्टेट म्यूज़ियम की के सुजनने से श्री हरी चौहान जी ने हमें निमंत्रण दिया है, जिसमें चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, पत्थर के कारीगर स्टोन क्राफ्ट से बोलते हैं और लकड़ी के कारीगर भाग लेंगे। ये हम चंबा वालों के लिए बड़ा हर्ष की बात है, खासकर हम कारीगर वर्ग के लिए बड़े हर्ष की बात है कि सरकार ने हमारी बात पर गौर किया और हमें जल्द ही मंच प्रदान किया। कोरोना काल के दौरान जो हमें फाइनेंशियली जो मार पड़ी, हमारा जो माल ब्लॉक हुआ, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, ऐसे अगर मेले लगते रहे तो इससे कारीगर की उम्मीद बढ़ती है और हमें भी काम करने का अच्छा मौका मिलता है। मेरा नाम हिमांशु आनंद है, मैं मेटल क्राफ्ट का काम करता हूँ। मेरे दादाजी श्री प्रकाश चंद आनंद जी और मेरे पिताजी श्री राजेश आनंद जी वो भी काम करते हैं। सरकार ने हमें मौका दिया है शिमला में, स्टेट म्यूज़ियम की तरफ से हमें बुलाया गया है एग्जीबिशन के लिए, तो इसका हम धन्यवाद करते हैं। पीछे लॉकडाउन के दौरान थोड़ी कमी रही थी, तो इस वजह से सरकार ने भी हमें मौका दिया है कि हम अपने सामान को, जो भी हम बनाते हैं, उसको सेल कर सकें हम उसकी। क्या डिमांड है इसके अलावा सरकार से आपकी? सरकार से ये डिमांड है कि ऐसे ऐसे जो भी एग्जीबिशन होती हैं वो हर जगह हो, जैसे हमारे चंबा में भी हो, चंबा से बाहर भी हो, जैसे शिमला में हो रही है वैसे हर जगह होनी चाहिए। मेरा नाम तेज सिंह है, मैं गांव घर करा पंचायत सेठ गुंड का रहने वाला हूँ और मैं मूर्ति का काम करता हूँ, मूर्तिकार। 35 साल मैंने लकड़ी का काम किया है और 5 साल मूर्ति का काम करते हो गए है। और हमने कोरोना काल में कुछ काम नहीं किया, ये मूर्ति घर धंधा किया है, इसमें कोई हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। और हम म्यूजिक वाले हरी चौहान का शिमला का धन्यवाद करते हैं, उसने हमने शिमला बुलाया है। हम चाहते हैं कि जैसी शिमला में प्रदर्शन हो रही है वैसी हमारे चंबा में भी हो, क्योंकि हम अपने कामकार खुद कर सके। यहाँ चाहते हैं कि हमारी बढ़िया बिक्री हो, हमारी रोजी रोटी की वो अच्छी तरीके से चल सके। और हम लकड़ी का मूर्ति और पत्थर की मूर्ति, हमारे दादा भी काम करते थे थोड़ा बहुत, पापा भी काम करते थे हमारे, हम भी करते हैं। वैसे ही काली की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। ये चंबा में एक ही जगह में पत्थर मिलता है, इस प्राचीन कालों से जितनी भी मूर्ति बनी है वो इसी पत्थर से बनी हुई है। और देवी देवताओं की, आदमी की, सभी की मूर्ति के मैं बनाता हूँ।